guys, welcome back to my YouTube channel DTH Digital Skills. Myself Saba and today I am back with a new and interesting video. So guys, आज के interesting video में मैं आपको बताने वाली हूँ top 5 amazing boys attitude bio ideas. यहाँ दोस्तों boys attitude bio ideas. तो बिना कुछ देरी करे इस video को हम start कर लेते हैं. But video को start करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक tech channel भी है जिसका नाम है Digiself Tech. So guys, अगर आप चाहते हैं tech related videos देखना तो आप उस channel को subscribe कर सकते हैं. Link नीचे description box में और ऊपर आपको आई बटन में उसके वीडियोस मिल जाएंगे. तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं. नंबर 1, डोंट बी इजी टू डिफाइन, लेट देम वंडर यू. गाइस, भाई का मतलब ये होता है कि इतने भी इजी मत बनो कि लोग आपको डिफाइन कर ले कि आप किस टाइप के हो, कैसे हो. एटलीस्ट इतने डिफिकल्ट रहो कि लोग आपके बारे में थोड़े दिन सोचें, कंफ्यूज रहें कि हाँ यार ये कैसा बंदा है, क्या है. मतलब इतने ईजिली डिफाइन मत हो जाओ या किसी और को इतना ज़्यादा, किसी से भी जब आप मिलो तो इतना ज़्यादा ओपन मत हो जाओ. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. बायो नंबर 2, आई स्पीक सो मच बेटर व्हेन आई एम साइलेंट. गाइस, बायो का मतलब ये होता है कि मैं बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ जब मैं साइलेंट होता हूँ. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बहुत ही एटीट्यूड वाला बायो है. अगर आप ये समझ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बायो नंबर 3, इफ़ यू कांट बी काइंड बी क्वाइट. गाइस, बायो का मतलब ये होता है कि अगर तुम काइंड नहीं हो सकते हो, दयालु नहीं हो सकते हो तो चुप रहो. सीधी सी बात है, क्योंकि बॉयज़ ऐसे होते हैं कि कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बॉयज़ की बात कर रही हूँ, जो बहुत काइंड नहीं, नेचर के नहीं होते हैं, बहुत शाउट करते हैं, उनका अलग ही बिहेवियर होता है. मैं सारी बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एन एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सो यहाँ पे ये बायो कह रहा है कि अगर तुम काइंड नहीं हो सकते हो सो चुप रहो. ये एक बॉय कह रहा है अपने फॉलोअर्स को, जैसे चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो. तो होप सो गाइज, आपको ये बायो समझ आ गया होगा. बायो नंबर 4, आई एम वर्किंग ऑन एन न्यू मी. गाइज, बायो का मतलब ये होता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ अपने न्यू मी में. मतलब मैं एक नए अपने पे, अपने आप पे, मतलब मैं जो हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं अपने नए मी पे वर्क कर रहा हूँ. सो गाइज, ये एक एटीट्यूड हुआ कि मैं चेंज हो रहा हूँ लोगों के बिहेवियर को देख के. सेंस यहाँ पे ये है. तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. बायो नंबर 5, मेक इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट. गाइज, बायो का मतलब ये होता है कि इसे सिंपल बनाओ बट सिग्निफिकेंट. मतलब ये कि कुछ भी अगर अपने लाइफ में आप करो वो सिंपल ज़रूर हो बट महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट हो. सो गाइज, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो. ऑल्सो गाइज, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी. और गाइज, दोस्तों तक जरूर शेयर करना. चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो ना ही जाना. मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक ले आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने फैमिली का ध्यान रखो.